तो हेलो दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड गौरव वंस अगेन एंड यू आर हियर ऑन वॉन्डरिंग निंजा। आज मैं आया हूँ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। और प्रगति मैदान में जैसा आप जानते हैं कि हर साल ट्रेड फेयर लगता आया है, तो ये 40th एडिशन है ट्रेड फेयर का। पिछले साल कोविड कारणों की वजह से ट्रेड फेयर यहाँ नहीं लग पाया था, तो इस बार काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों में। यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी है यहाँ पर, बट अच्छा है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को जल्दी से, और इस ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिए। तो अभी हम हॉल के अंदर आ चुके हैं। ये नया बना हुआ हॉल है, ये ODOP जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको प्रमोट कर रहा है, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री इम्पोरियम। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, आपको पता होगा कि स्टेट जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट का आइडेंटिफाई करेगा एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट, और फिर उसको प्रमोट किया जाएगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। ये देखो, ये नया हॉल है, अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है ये। यहाँ पर ये पहला ट्रेड फेयर यहाँ लगा हुआ है, और काफ़ी वर्ल्ड क्लास बनाया हुआ है, बाहर से लेकर के यहाँ अंदर तक लाजवाब लग रहा है यहाँ पर सब कुछ। अभी जानते हैं कि काफ़ी सालों से हमारा ये बन रहा था पूरा प्रगति मैदान का, जितना भी एग्जीबिशन एरिया है सारी बिल्डिंग्स नए बना रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी जो एरिया दिया गया ट्रेड फेयर को वो काफ़ी कम है। ये उत्तराखंड स्टेट का स्टॉल है, यहाँ का एंट्री गेट देखो, बद्रीनाथ मंदिर का जो एंट्री गेट है उसके जैसा बनाया हुआ है, और इसी के ठीक बगल में जो दूसरा गेट है, जो एग्जिट गेट बोलेंगे, या दोनों ही एंट्री गेट एग्जिट है, कॉमन एंट्री एग्जिट है, ये एक हमारा केदारनाथ मंदिर का जो गेट है उसके जैसा बनाया हुआ है। तो काफ़ी मतलब प्रमोट हो रहा है, इससे टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है, बाकी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो तो सेल हो ही रहे हैं। और ये इसके बगल में तमिलनाडु है, जिसके साथ मेरा एक काफ़ी क्लोज रिलेशन है स्टेट के साथ, मैंने अपनी लाइफ के काफ़ी ईयर्स यहाँ पर बिताए हुए हैं, और बहुत अच्छा पूरा ट्रेडिशनल जो तमिल कल्चर का जो ट्रेडिशनल लुक है उसको दिया हुआ है यहाँ पर। आज संडे है तो उसकी वजह से भी क्राउड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ये गोवा का स्टॉल है, ये कर्नाटका, ये गुजरात, तो चलो गुजरात में थोड़ा सा घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो लोकल गुजराती हैंडीक्राफ्ट है उसको यहाँ बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो बहुत सारे गुजराती ड्रेसेस से लेकर के जो गुजरात आर्किटेक्चर है उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है, क्लोथिंग हो चाहे घर में जो चीज़ें सजाने वाली जो चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, वो सब हों, तो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा क्राउड बस थोड़ा सा ज़्यादा है, और मुझे ऐसा लगा थ्रू आउट जितना मैं घूमा कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर मेरे को ओवर एक्सपेंसिव लगी, बट एनीवे क्योंकि साल के एक बार लगता है तो इतना मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके दिल्ली आते हैं, और यहाँ पर जो खर्चा होता है, सरदार पटेल का स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और यहाँ पर है दिल्ली का स्टॉल। तो चलो अंदर देख के आते हैं क्या खास है दिल्ली के स्टॉल में। यहाँ से जैसे एंट्री स्टार्ट करते ही सबसे पहले आता है दिल्ली जेल प्रोडक्ट्स, जो कि वहाँ पर हमारे जेल में बनाए गए हैं। ये मंदिर है, इसकी कीमत 14,000 रुपये है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसके ठीक बगल में लाल किला है, और लाल किले के ठीक सामने का जो एरिया है बनाया गया है, वो जो नया रेनोवेटेड चांदनी चौक है उसके जैसा यहाँ पर उसके जैसा लुक दिया हुआ है। अभी आप चांदनी चौक जाएंगे तो आपको कुछ इसी के जैसा देखने को मिलेगा चांदनी चौक। ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है चांदनी चौक का, तो ज़्यादा कुछ दिल्ली में देखने को नहीं मिला है, बस इस तरह की चीज़ें। और ये रहा उत्तर प्रदेश, योगी जी का फ़ोटो लगा हुआ है सबसे पहले, और काफ़ी बड़ा स्टॉल है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। ये जस्ट यहाँ पे बगल में राम मंदिर, जो पर्सपेक्टिव राम मंदिर टेम्पल है उसका मॉडल यहाँ पे बनाया गया एंट्री पर ही, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इसके आगे में उत्तर प्रदेश में जितनी भी बहुत सारी स्कीम्स जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब है यहाँ पर। जो हैंडमेड पॉट्स वगैरह हैं, पॉटरी है, उसकी चीज़ें थी। ये उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में हुनर हाट का बहुत बड़ा स्टॉल है, काफ़ी बड़ा स्टॉल है ये पूरा, ऑलमोस्ट एक बोल सकते हैं कि 70% जो हॉल का जो एरिया है ग्राउंड फ्लोर पर वो इसने लिया हुआ है, और बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स हैं।
कपड़ों से लेकर के शूज़ और हर चीज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को, और आप परचेज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम, आपको जो भी ठीक है ठीक लगे। वैसे परचेज़ करना भी चाहिए ऐसी जगहों से, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक उन लोगों को एक तरह बोले कि प्रोत्साहन मिलता है, वो मोटिवेट होते हैं। चलो अब हम जा रहे हैं नीचे आगे के स्टॉल्स पे। ये यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर विनोद राठौर का परफॉर्मेंस होने वाला है, और अभी भी यहाँ काफ़ी गाने बज रहे हैं क्योंकि मैंने कॉपीराइट की वजह से म्यूट किए हुए हैं। और ये अब हम यहाँ पहुँच गए हैं भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे के स्टॉल पर, और ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। देखो गांधीनगर का जो नया रेलवे स्टेशन बनने वाला है या बन चुका है, उसका मॉडल है यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले तो। और ये हमारी वंदे भारत ट्रेन का मॉडल देखो कितना अच्छा है, और यहाँ पर इसमें हमें अंदर दिखेगा, अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखो जो सीटिंग अरेंजमेंट है, चेयर कार वंदे भारत चेयर कार ही है पूरा। और ये नई गुड्स कोच है जिसमें हमारी ट्रेन में कार्स भी जा सकती हैं, उसका एक मॉडल है। ये तेजस एक्सप्रेस का मॉडल है यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, मतलब सामने से देखना इज़ वेरी गुड। हम सफ़र एक्सप्रेस है ये उसका मॉडल है यहाँ पर। वैगन जो हमारी मालगाड़ी होती है कोयले के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जो यूज़ होती है, ये यहाँ पर रेल कोच है, इंजन है एक्चुअली। ये स्टीम इंजन है जो पहले चला करते थे। ये 3 टीयर एसी इकोनॉमी कोच का मॉडल है। ये देखो इसमें यहाँ पर आगे देखो बॉटल्स रखे हुए हैं, बॉटल्स भी छोटे छोटे बॉटल्स रखे हुए दिखेंगे। अभी एक मिनट थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ सब बनाया हुआ है इसे। वो देखो सामने बॉटल्स रखे हुए हैं इतने छोटे मॉडल में भी बॉटल्स बनाए हुए हैं, मतलब इसकी जो डिटेलिंग देखोगे ना वो कितनी अच्छी है। फिर ये यहाँ पर ऑयल के लिए जो यूज़ किया जाता है, और ये है यहाँ पर भोपाल रेलवे स्टेशन जो कमलापति रेलवे स्टेशन है, जिसको भी बहुत रिसेंटली मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। ये फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। ये यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है स्टार्टिंग में ही, खादी का जो स्टॉल, खादी इंडिया का जो स्टॉल है, अभी हम वहाँ पर आ गए हैं। ये देखो ये पूरा ऊपर का सब इतना अच्छा बना हुआ है, रेनोवेशन चल रहा है इसी रेलवे का भी। काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है लेकिन यहाँ पर ना चीज़ें बहुत अमेजिंग हैं, जो भी खादी की जो चीज़ें आपको दिखती हैं खादी भंडार स्टोर पर, उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो हमको लोकल दिखती होंगी अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। बैम्बू से बनी हुई चीज़ें हैं और शूज़ हैं और काफ़ी सारे, ये देखो यहाँ पर खिलौने बिक रहे हैं। और भी आगे बहुत सारी चीज़ें थी इस तरह की, जैसे कुछ मेरे को एक मॉस्किटो रेपलेंट क्रीम मिली थी फुल आयुर्वेदा। और ये देखो जम्मू एंड कश्मीर का स्टॉल है, तो यहाँ पर हमें वो ये सामने पीछे जो डब्बे रखे हुए हैं वो गुलकंद है। अभी बहुत रिसेंटली मैं श्रीनगर गया हुआ था तो मैंने वहाँ से ये गुलकंद ख़रीदा था श्रीनगर से ही, जो काफ़ी अच्छा था। ये कॉयर बोर्ड का स्टॉल है, कॉयर बोर्ड मतलब कॉयर मतलब होता है हमारा जो कोकोनट फाइबर होता है, तो उसके प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्री होती है कोकोनट फाइबर से जो चीज़ें बनती हैं उसके प्रमोशन के लिए स्टेचुलरी बॉडी है जो कॉयर बोर्ड, उसका स्टॉल है। और ये देखो ये सारे कोकोनट फाइबर जो कोकोनट का छिलका होता है उससे बने हुए चीज़ें हैं, और यहाँ पर गणपति जी बनाए हुए हैं कोकोनट फाइबर से। 11,000 रुपये इसकी कीमत लगाई गई है, तो देख सकते हो इसमें कितनी डिटेलिंग है। और ये पूरा कोकोनट शेल से बने हुए हैं। बाकी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं हॉल नंबर 7 में। एक्चुअली हॉल नंबर 7 जो है ये पूरा MSME पेविलियन है, यहाँ पर जो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, स्मॉल जो टेक्सटाइल या गारमेंट कंपनीज हैं वो हो, या और भी कोई फूड और भी जितने भी हमारे छोटे मीडियम माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके प्रमोशन के लिए इस हॉल में लगाया हुआ है। काफ़ी बड़ा हॉल है ये। और बात करते हैं ट्रेड फेयर की एंट्री की, टिकट जो है वो इस साल 150 रुपीज़ है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। टिकट्स जो है आपको रेलवे मेट्रो स्टेशन पे 65 मेट्रो स्टेशन हैं दिल्ली में, उन पर मिल रही है। और सुबह के 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक एंट्री है। एक दिन में 30,000 लोग इस साल अलाउ किए जा रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा भीड़ ना होने पाए। तो यहाँ ये वीडियो एंड होता है, अब मैं एग्जिट करने वाला हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सफ़र पर।
तब तक के लिए जय हिंद।